तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है, जो कि 5 KV का मेन लाइन पर लगने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं, हम ये एक नया स्टेबलाइजर तैयार कर रहे हैं, बट हमने अभी तक इसमें कोई सर्किट यूज नहीं किया है, सर्किट इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसमें एक डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर सर्किट लगाकर बताएंगे, जिसमें कि हमने डिजिटल डिस्प्ले यूज किया है साथ में, यानी इसका मीटर भी डिजिटल है और वो सब कुछ रीडिंग बताता है, जैसे हाई कट, टाइमर रीडिंग, और बहुत अच्छा इसका डिस्प्ले है, देखकर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये डिजिटल डिस्प्ले वाली किट अपने स्टेबलाइजर में यूज करते हैं, तो फिर आपका स्टेबलाइजर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसका लुक एक अलग ही निकल कर आता है। साथ ही साथ इसमें फंक्शंस बहुत अच्छा है। देखिए, चलिए आपको किट भी दिखा देते हैं, किट हमारी कैसी है। ये देखिए, हम इसमें ये डिजिटल डिस्प्ले वाली किट यूज करने वाले हैं। ये इसका डिस्प्ले है और ये इसकी किट है, और ये दोनों साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्प्ले और ये किट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और इस डिस्प्ले की खासियत ये है कि ये ग्रीन कलर के डिस्प्ले में है, यानी इसमें जो रीडिंग आएगी ग्रीन कलर में आएगी। आपने अभी तक हमारे और वीडियोस में देखा होगा, आपको रेड कलर का डिस्प्ले हमने दिखाया है, बट ये हमने एक ग्रीन कलर का डिस्प्ले डेवलप किया है। इसमें देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें एक बेनिफिट ये भी है, वो तो खैर हमारा रेड वाला डिस्प्ले है या फिर ग्रीन वाला डिस्प्ले, दोनों में फंक्शन दे रखा है कि अगर आप चाहे तो इसे केवल डिस्प्ले के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। यहां से हम इसे खोलकर, कवर खोलकर बाहर निकालेंगे, इसके अंदर से डिस्प्ले बाहर आ जाएगा, तो उसे हम जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है इसी के लिए 4 KVA वी गार्ड वगैरह का, या फिर माइक्रोटेक का, या जितने ब्रांडेड स्टेबलाइजर होते हैं उसमें हम ये डिस्प्ले के तौर पर यूज कर सकते हैं, और वैसे हम इसे 72 AM के मीटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल। तो चलिए, अब आपको इसे लगाकर बताएंगे, इसके फंक्शन आपको बताएंगे। पहले आपको इसे कनेक्शन के बारे में बता देते हैं। कनेक्शन देखिए बहुत ईजी है, इसके बहुत आसान कनेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमें जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, तो इसमें से जो LT वायर निकले हैं, जो इसमें सप्लाई निकली है, हमें इसमें 22 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट की इनपुट सप्लाई देनी है। हम 22 वोल्ट भी दे सकते हैं, 20 वोल्ट भी दे सकते हैं, या फिर 24 वोल्ट भी हम सप्लाई यहां पर दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हमारी जितनी भी रिले हैं, इन सबकी कॉइल का एक वायर हमने कॉमन कर रखा है, उसका कॉमन कनेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में हमारी जो इनपुट 2 रिले हैं, तो उसकी कॉइल कनेक्शन हम कॉमन के बाद कर देंगे। इसके बाद इनपुट 1 रिले, फिर लास्ट में हमारी आउटपुट ले, फिर सबसे आखिर में हमारा ये जो टाइमर और हाई कट के लिए हमने दे रखी है, इसका कनेक्शन हम यहाँ पर दे देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, इनपुट सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर से, हमें इसमें कोई ट्रिगर ट्रांसफार्मर यूज नहीं करना है। जितनी भी रिले हैं सबके कॉमन, इनपुट 2 रिले, इनपुट 1 रिले, आउटपुट रिले, लास्ट में हमारी टाइमर रिले, ये इसके कनेक्शन हो गए। और बाकी ये जैक समझ लीजिए, देखिए एक जैक दे रखा है, ये जैक बहुत ज्यादा खास है, अगर जब तक आप इसके कनेक्शन नहीं करेंगे हमारी किट काम नहीं करेगी, तो इसके भी कनेक्शन समझ लीजिए। देखिए, ये ब्लैक वाला वायर है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, जो हमारा मेन लाइन के न्यूट्रल पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा आउटपुट रिले के पोल पर कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट रिले के पोल पर हमें कनेक्ट करना है, इसे हमें NC या NO पर कनेक्ट नहीं करेंगे, हम जो आउटपुट रिले का पोल है सीधे वहां पर कनेक्ट करेंगे। और ये जो लास्ट में आपको वायर दिखाई पड़ रहा है, ये हम इनपुट रिले के पोल पर कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये तीन वायर हमारे मेन लाइन के फेस न्यूट्रल फेस में आएगा, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और जब तक हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे, किट हमारी काम नहीं करेगी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और ये देखिए, ये जैक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जैक डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले का जैक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो इससे हमारा डिस्प्ले भी किट से कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए डिस्प्ले यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम ये जैक कनेक्ट नहीं करेंगे, ये किट हमारी विदाउट डिस्प्ले भी वर्क करेगी। तो चलिए उसे कनेक्शंस करते हैं, फिर आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, किट के कनेक्शंस हमने कर लिए हैं, जैसे कि आपको बताए थे, और अब बारी है इसका डिस्प्ले लगाने की। ये देखिए डिस्प्ले, अब हम इसमें स्टेबलाइजर में लगा देते हैं, लगाने के बाद फिर आपको चेक करके बताएंगे। ये देखिए, लगाना बहुत ही आसान है डिस्प्ले को, ये देखिए, ये हम बहुत ही आसानी से लगा देंगे। ये डिस्प्ले हमारा इसमें देखिए इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे हम किट में लगा देंगे इसका जैक, उसके बाद फिर हम इसे टेस्ट करते हैं। तो हमने ये डिस्प्ले का जैक भी लगा लिया है, अब आपको थोड़ा सेटिंग करने के बारे में बता देगा, अगर हम इसकी सेटिंग की जरूरत पड़ी तो हम कैसे सेट करेंगे। ये देखिए, इसमें 2 प्रीसेट दे रखे हैं, 1 और 2, तो ये वाला प्रीसेट जो है ये वोल्टेज की सेटिंग के लिए, यानी इससे हम कट सेट करेंगे और एक ही बार सेट करेंगे, हमारा एक कट सेट होगा, बाकी सारे कट ऑटोमेटिक खुद ही सेट हो जाएंगे। हमें इस वाले प्रीसेट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अगर इस वाले प्रीसेट को हम छेड़ेंगे तो हमारा इनपुट वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज की सेटिंग के लिए, जी हाँ, आउटपुट वोल्टेज नहीं, इनपुट वोल्टेज कम या ज्यादा करने के लिए डिस्प्ले में ये प्रीसेट दे रखा है। और बाकी हमारा जो मेन प्रीसेट है वो प्रीसेट ये है, इससे हमारी कट की सेटिंग होगी और हाई कट वगैरह सब इसी से सेट होगा। तो चलिए अब इसे ऑन करते हैं और फिर चेक करके बताते हैं आपको। ये अब हम इसे डेमो पर लगाकर ऑन करते हैं, धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे।
ये देखिए पहले इसका 10 से लेकर 1 तक का टाइमर की रीडिंग आएगी। अभी इसका टाइमर ऑन नहीं हुआ है। ये देखिए इनपुट वोल्टेज, अब ये आउटपुट वोल्टेज बताएगा। अब देखिए वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, देखिए बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, बहुत अच्छा डिस्प्ले लगता है ये। इनपुट आउटपुट सब लिखकर आता रहेगा और 200-250 वोल्ट के बीच में ये काम करता रहेगा। बहुत अच्छे इसके स्टेप्स आते हैं। ये देखिए इस डिस्प्ले को लगाने के बाद स्टेबिलिटी की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और ये खूबसूरती इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसे आप एज ए मीटर भी यूज कर सकते हो और डिस्प्ले के तौर पर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता रखा है। और सेटिंग करने के लिए प्रीसेट्स भी आपको बता रखे हैं, बहुत ही आसान इसकी सेटिंग है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, साथ ही साथ डिस्प्ले भी पसंद आया होगा। अगर डिस्प्ले आपको ऑर्डर करना है तो फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। और आप ऑर्डर करें तो आप ये जरूर उस चीज को बता दें कि आपको रेड कलर का डिस्प्ले चाहिए या फिर ग्रीन कलर का, दोनों ही डिस्प्ले हमारे पास अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।